मल्टीपल स्लोसिस अबाउट माई बॉडी यू आर डिस्ट्रॉइंग टू मच यू है लेवल वेर द बॉडी इज संग भैया बंद करो दुकान है ना यहां तक आपने इसको खराब किया मगर इसको रिकवर करने के लिए आपने कुछ किया नहीं यू थिंक कि आपने कुछ खा लिया तो रिकवर हो गए रिकवर हो सकते खाने से एनर्जी बढ़ती है कम होती है बताइए खाने से एनर्जी बढ़ती है कम होती है तो पचास साल खाने के बाद तो इंसान को सुपर ह्यूमन हो जाना चाहिए ना अगर एनर्जी बढ़ती है तो पचास साल अगर आप भोजन करें तो आपको तो इतनी एनर्जी बढ़ जानी चाहिए कि आप सुपर ह्यूमन बन जाएंगे साठ साल के बाद में सत्तर साल अस्सी साल के बाद में तो उड़ने लग जाना चाहिए और तो बंदा उड़ ही जाता है गायब ही हो जाता है इतना एनर्जी कम हो जाती है खाने से एनर्जी कम हो रही है बढ़ रही है कम ही हो रही है ना सालों दर साल कम हो रही है आपकी तो है ना तो खाने से एनर्जी नहीं बढ़ती तो खा के आप ठीक नहीं होते लोड आता है आपकी बॉडी पे खाना भी ना कुंभक से पचता है और इसीलिए उम्र के साथ साथ खाना पचना कम हो जाए कुंभक करिए आप देखिए किसी भी अभी बोला ना मंजू ने बोला ना कि वो सिट्रस नहीं खा सकते थे फिर खाने लग गए तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है एक नहीं सौ अब तो हजारों एग्जाम्पल है ऐसे जो पहले कुछ नहीं खा पाते थे अब आराम से खाते हैं तो आपका डाइजेशन भी कुंभक के जरिए होता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म को मैंने कुंभक से कोरिलेट करके बताया तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या ठीक हो सकता है बिल्कुल ठीक हो सकता है ये बिल्कुल ठीक हो सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्योंकि तो आपके बॉडी का जो फंक्शनल सिस्टम है ना मकानिज्म है जो फंक्शनल मैप है वही बिगड़ गया तीन तरीके से आपका इलाज हो सकता है प्लीज अंडरस्टैंड दिस आप समझिए देखिए आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में क्या नहीं करना चाहते हैं इसकी आजादी है इसकी स्वतंत्रता आपको है मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप चीजों को देख पाएंगे समझ पाएंगे तो यू विल बी एबल टू टेक राइट डिसीजन है ना तो पहले समझिए ठीक है तीन तरीके से आपका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं तीन तरीके से पहला ट्रीटमेंट बाहर से कुछ लेके ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिसे हम मेडिसिन कहते हैं ठीक है जो कि सबसे वीक मेथड है ट्रीटमेंट का बॉडी के ट्रीटमेंट का सबसे वीक मेथड क्या है मेडिसिन से ट्रीटमेंट करना दूसरा ट्रीटमेंट आप अपने शरीर का थर्मल मैप टेम्परेचर का मैप जो शरीर का है उसको सही करके ठीक कर सकते मेडिसिन से डबल पावरफुल होता है हंड्रेड परसेंट ज्यादा पावरफुल होता तीसरा ट्रीटमेंट आप प्रेशर अपने शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम या मैप ठीक करके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं यह टेम्परेचर से भी हंड्रेड परसेंट मोर पावरफुल होता है यानी प्रेशर मैप को आयुर्वेद वात बोलता है थर्मल मैप को पित्त बोलता है और मटीरियल मैनेजमेंट को कफ बोलता है, यानी वात के असी रोग होते हैं पित्त के चालीस और कफ के बीस यही बता रहा है कि आपका सही ट्रीटमेंट किससे होता है प्रेशर से होता है सबसे ज्यादा पावरफुल और प्रेशर से ही टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है। तो कुंभक आयुर्वेद का वो हिस्सा है जो गायब हो गया कुंभक से वात पित्त कफ तीनों ही कंट्रोल में आते हैं अगर कुंभक करेंगे और आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ज्यादा काम करेगी कुंभक नहीं करेंगे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत वीक काम करेगी तो कुंभक और जड़ी बूटियां नेचुरल मेडिसिन दोनों मिलके कमाल कर सकते हैं अकेले अकेले आयुर्वेदिक मेडिसिन काम नहीं करते कुंभक के जरिए ही करते कुंभक अपने आप में कंप्लीट ट्रीटमेंट है मगर सपोर्ट लेना चाहें तो अगर आप सपोर्ट लेंगे हमारे पास में ऐसे भी लोग हैं जो आए कहते हैं हमारे पर दवाई कोई काम ही नहीं करती कुंभक करने लग गए सारी दवाई काम करने लग गए ठीक है ना क्योंकि आपका शरीर कुंभक से काम करता है तो आपका प्रेशर मैप बिगड़ गया उसको करेक्ट करना शुरू करेंगे थर्मल मैप अपने आप करेक्ट होगा मटेरियल मैनेजमेंट अपने आप करेक्ट होगा और मल्टीपल स्क्लेरोसिस ठीक हो जाएगा क्योंकि कुंभक आयुर्वेद का सबसे पावरफुल ट्रीटमेंट है